पता है जगह कौन सी है, यहाँ पर बाइक चलने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत ही मजा आया लोगों के साथ, अब मैं बिछड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ले जाना है और ये लोग अपना मनाली की तरफ निकल जाएंगे। अगर ये लोग मुझे ना मिलते तो शायद मैं वापस आता आधे रस्ते से। वो इतने मिला तो हाई तो खतरा है 582 फीट। रोड तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो गाइस मुझे भी नहीं पता जगह कौन सी है, बहुत है बहुत खतरनाक क्योंकि यहाँ पर बाइक चलने का नाम ही नहीं ले रही है। पहला गियर दूसरा गियर ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाड़ी पीछे खींच रहा है। बहुत मुश्किल से गाड़ी आगे को बढ़ रही है और गाड़ी पूरा चरियान मानने लगी है और पहला या दूसरे गियर के अलावा चली नहीं रही है। तो भैया ना चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मैग्नेटिक जो पहाड़ी है वो यही है। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंचने वाले हैं खारू, और यहाँ से जो खारू की डिस्टेंस रह गया है वो रह गया है 5 किलोमीटर के आसपास। तो गाइस पहले खारू पहुंचेंगे, वहाँ पर अपने एक भाई को ड्रॉप करेंगे क्योंकि वो जाने वाला है फ्लाइट से दिल्ली के लिए, और उसके बाद हम सीधा निकलेंगे खारू से मनाली के लिए। बस तो गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं और गाइस मिलते हैं हम आपसे खारू पहुँचने के बाद। तो दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं इस टाइम खरू में और हम लोग चांगला पास से उतर के आ चुके हैं। टाइम हो चुका है 4:32 और खारू से दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाता है मनाली के लिए और अपना एक रास्ता जाता है सीधा लेह के लिए। गाइस कल हमें एक भाई मिले थे अमित भाई, वो कल से हमारे साथ में है और अमित भाई कल से हमारे साथ सफर में लगे हुए हैं। तो अमित भाई कैसा लगा कल से आपको सफर करके? बहुत ही मजा आया लोगों के साथ, अब मैं बिछड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ले जाना है और ये लोग अपना मनाली की तरफ निकल जाएंगे। तो मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ यार मिलकर, मतलब मेरा लाइफ टाइम, मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था, मेरा लाइफ टाइम मैं हमेशा याद रखूंगा, इतना एडवेंचरस ट्रिप था। अगर ये लोग मुझे ना मिलते तो शायद मैं वापस आता आधे रास्ते से। वो इतना खतरनाक ट्रैक था कि हम लोगों ने साथ में कर लिया, लेकिन हम लोग जैसे जैसे फंसे एक दूसरे को निकाला, जैसे एक दूसरे की हेल्प की, वो बहुत ही मज़ेदार था। थैंक यू यार। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे अमित भाई और ये हमसे अब बिछड़ रहे हैं यहाँ पर। ये अब जा रहे हैं अभी सीधा लेह के लिए क्योंकि ये लेह से निकलेंगे दिल्ली बाय फ्लाइट। और गाइस बहुत दुख हो रहा है, अभी हम लोगों से मिल यहाँ से जा रहे हैं ये, और दो दिन से अब लोग ये साथ में थे और काफ़ी मज़ा आया इन लोगों के साथ में हमें, कि अब हम लोग निकलते हैं तो मनाली के लिए। तो गाइस फाइनली हम खरू से निकल चुके हैं और अभी हमने गाड़ी में पेट्रोल फुल कराया है, पेट्रोल फुल करा लिया है और मनाली का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से है 435 किलोमीटर खरू से। तो गाइस ये जो खरू है अपना, ये सिंधु नदी के ऊपर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है लेह का, और काफ़ी खूबसूरत ये गांव है लेह का अपना। और गाइस यहाँ से जो अपना थंगलाला पास की जो दूरी है वो है अपनी 75 किलोमीटर के आसपास। तो मे बी अभी हम लोगों को यहाँ से 3 घंटे और लगने वाले हैं। तो गाइस पहुँचते हैं थंगलाला पास और दिखाते हैं आपको थंगलाला पास का खूबसूरत नज़ारे। तो गाइस मिलते हैं आपसे आगे पहुँचने के बाद। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं थंगला टॉप, जो इसकी हाइट है 17,582 फीट। और गाइस यहाँ के जो नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, और गाइस ठंड इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं अपना टैंक के लिए और कोशिश करेंगे कि अभी टैंक के अंदर स्टे करें हम लोग। गाइस पंक रह गया है अभी 40 किलोमीटर और हम लोगों को क्या है काफ़ी टाइम, अंधेरा पड़ चुका है बहुत ज़्यादा। तो कोशिश तो यही है कि
बट हम कोशिश करेंगे कि हम सरचू पहुंच जाएं, जितना भी टाइम लगेगा सरचू पहुंचने में। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पहुंच जाएं, और ठंड बहुत ज़्यादा है इस टाइम, पूरा पैक हो रखे हैं, जैकेट पहन रखी है, डबल डबल जैकेट पहन रखी है। अभी तक की जो हाईएस्ट ठंड दिखाई दी है हम लोगों को यहीं आके दिखाई दी है। तो भाई नाइट का व्यू देख सकते हैं, बहुत प्यारा है, अंधेरा बहुत ज़्यादा पड़ चुका है। और गाइस अगर किसी वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है और हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं सरचू, तो गाइस अभी हम लोग रुकेंगे रात को पैंग के अंदर, और गाइस पैंग के अंदर रुकने के बाद फिर कल मॉर्निंग में निकलेंगे हम यहाँ से। तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह मॉर्निंग में। हेलो गाइड, गुड मॉर्निंग। तो गाइज अभी हम लोग इस टाइम पैंग के अंदर, और अभी हमारी बाइक तैयार है यहाँ से निकलने के लिए मनाली के लिए। तो गाइज चलते हैं अपने मनाली के सफ़र की तरफ, और दिखाते हैं आपको रास्ते के खूबसूरत नज़ारे जो पड़ने वाले हैं पैंग से अपना मनाली तक के लिए। तो गाइज सुबह के बज चुके हैं 6:45, और अभी हम लोग निकल चुके हैं पैंग से मनाली के लिए, और देखते हैं। और कल हमने अपनी बाइक चलाई 110-120 किलोमीटर के आसपास, बट हम लोगों को यहाँ पहुँचे पहुँचे 8:30 बज गए, तो रात हम लोगों ने यहीं स्टे किया। तो अब हम लोग को पहुँचना है मनाली, और मनाली है यहाँ से 330 किलोमीटर के आसपास। तो देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं आज, और सुबह का जो व्यू है बहुत ही प्यारा है, मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की ठंड है, और सच्चू जो बचा है यहाँ से बचा है 75 किलोमीटर। पहले जो टाइम था उस टाइम पर लद्दाख करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अगर आज के टाइम में मैं बोलूँ तो आज के टाइम में लद्दाख करना बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है, आसान हो चुका है लद्दाख करना, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं अपना मनाली से लद्दाख के लिए। तो गाइस सामने की तरफ एक ट्रक जा रहा है गाइस, और इस ट्रक को देख के गाइस मेला मूवी याद आ गई, और क्योंकि मेला मूवी के अंदर ये वही गुजर था जो आप देख सकते हैं सामने की तरफ, बहुत ही ख़तरनाक दिख रहा है ये मेला वाला गुज्जर। और गाइस रोड तो बहुत ज़्यादा कंजस्ट है, कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा कंजस्ट है कि निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इस रोड के ऊपर। गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लद्दाख करने के लिए आऊँगा, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट टाइम तक ये जो रोड है ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा, और जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा इस रोड के ऊपर तो बाइक चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा इस रोड के ऊपर, क्योंकि लगभग ये रोड बनने के बाद ही और बेहतरीन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आने वाले टाइम में ये रोड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा सुपर होने वाला है गाइस। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इस रोड के ऊपर जो है बहुत सारे आपको ऐसे बाईपास देखने के लिए मिलेंगे जहां से आप आसानी से अपनी बाइक लेके जा सकते हैं, और इजीली से जो आपको घूम के आना पड़ता है रोड पर, आप उस सब से बचने के बाद आप सीधा शॉर्टकट मारेंगे और आपका कई किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन गाइस रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, कट मारने के चक्कर में आप रोड के ऊपर आ जाएँ और गाड़ी स्लिप कर जाए, बहुत सेफली और केयरफुली आपको इस रोड के ऊपर बाइक ड्राइव करनी होगी, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब भी आप इसमें शॉर्टकट मारेंगे ध्यान से शॉर्टकट मारें, क्योंकि गाड़ी स्लिप भी कर सकती है, और गाड़ी के अगर किसी वजह से ब्रेक नहीं लगते हैं तो गाइस आप शायद हो सकता है आपके चोट लग जाए। तो गाइस ऐसा रिस्क बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये हमने अपने ऊपर रिस्क लिया है, लेकिन गाइस आगे आप कभी भी रोड पर आते तो आप इस तरीके का रिस्क ना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस चलते हैं सीधा सरचू।
और गाइस देख सकते हैं आपको अपने इंडियन आर्मी के ये जो टैंकर है, बहुत सारे ट्रक आपको देखने के लिए इस रोड पर मिल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रोड पर अगर अपने इंडियन आर्मी के ट्रक ही देखेंगे। और गाइस हैट्स ऑफ है अपनी इंडियन आर्मी के लिए, बहुत ज़्यादा गाइस वो मेहनत करते हैं यहाँ इस रोड के ऊपर, क्योंकि रोड इतना ज़्यादा हाई है, इतना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड का रोड है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रक है उसको ड्राइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और गाइस ट्रकों के अंदर बहुत ज़्यादा सामान भरा होता है, जिसकी वजह से ट्रकों का जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी यहाँ पर आसानी से नहीं चल पाती है। लेकिन गाइस इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी ही है, और गाइस सलाम है इंडियन आर्मी को, क्योंकि इंडियन आर्मी हमारी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंडियन आर्मी है। तो गाइस जितने भी दोस्त हैं इंडियन आर्मी के लिए, गाइस एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस पहुंचते हैं सरचू और मिलते हैं हम आपसे सरचू पहुंचने के बाद। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंचने वाले हैं सरचू, और यहां से जो दूरी रह चुकी है सरचू की वो रह चुकी है 3 किलोमीटर के आसपास। तो गाइस अभी हम लोग सरचू में रोक स्टे करने वाले हैं, और उसके बाद यहां पर कुछ देर आराम करेंगे, उसके बाद निकलेंगे सीधा मनाली के लिए। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।